खुशियों से पहले अपने आदर्शों को चुनना होता है। We do not have a choice। चलो मान लिया एक बार को कि मैं गलत हूं, मेरे मां बाप, मेरी परवरिश, ये समाज अब गलत। फ्रीडम टू वॉट एक्सटेंट, आजादी की भी एक हद होती है। जो लोग इस समाज के खिलाफ है वो इंसानियत के खिलाफ है। बस्ती में
यहाँ नहीं बसते लेकिन भगवान में वासना। लोगों के लिए आपका समाज है।
जिसकी आंखों के सामने हर दिन चेहरे होते हैं। हर साल 7,000 से ज्यादा बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, जिसके लिए मैरिटल रेप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग सेक्स एजुकेशन जैसी जरूरी चीज। वैसी बकवास की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे आदर्श, हमारे मॉरल हमारे लिए काफी है, बल्कि इन्हीं घिनौनी चीजों की वजह से तुम जैसे लोगों की हवस बढ़ती है। अपनी खुशियां पूरी करते करते अपने आदर्श भूल गए। जस्ट अ मीन्स टू प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक नागरिक को राइट टू प्राइवेसी, टू डिग्निटी एंड हेल्थ, टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। नाज है मुझे अपने देश पर, बस शायद इस देश को मुझ पर नाज नहीं, क्योंकि इसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आईपीसी सेक्शन 377 के तहत मैं एक होमोसेक्सुअल क्रिमिनल हूं। डरता हूं कि कहीं घर से बाहर निकलूंगा तो हजारों लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा रेप तो रेप भी नहीं माना जाता, फिर भी क्रिमिनल मैं हूं। According to the Indian National League Party, there are 2.5 million terrorists living in this country, no ma'am. There are 2.5 million terrorists living in this country. किसी ना किसी उजड़े की लाश कहीं गटर में पड़ी मिलती है, मोड़ते वक्त तो नहीं लगता। और क्यों? क्योंकि हम अलग, मरना चाहते हो हाँ? मर दो, अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जिंदा रहने के लिए या तो भीख मांगो या खुद को बेच दो। अंगूठा छाप है ना, बस तालियां बजानी आती है। मरने पर गाली, मुझे गाली कहकर मुझसे दुआ चाहिए। ये तो अलग है, पर मैं तो आप कैसी हूँ? नॉर्मल। 12 मार्च 2015 को मेरा रेप हुआ, मेरी इज्जत मेरे माँ बाप को भी मुझसे ज्यादा मेरी इज्जत की पड़ी थी। पर उस रात जाकर के
मैंने फाइल कराया। हर दिन कोर्ट जाकर उन गंदे सवालों के जवाब मेरे शियल की जगह आज मैंने देखी। और आज आज वो 22 साल जेल में है और मैं बेइज्जत। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, एक ऐसा देश जो अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है और जहां किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। इंडिया टेक्स प्राइड इन बीइंग डाइवर्स येट यूनाइटेड, और सबसे बढ़कर यार डेमोक्रेसी। अरे भाई वही जगह जहां सबकी आवाज सुनी जाती है, वेयर एवरीवन हैज अ राइट टू डिग्निटी एंड हेल्थ, टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एंड ऑफ कोर्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।